अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आप ये हमारे सिंड्रेला और पैंथर चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह आप ये एडल्ट होने वाले हैं। ये देखें शेरू का काम चेक करें, तो ये गब्बर भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारा मुफासा बैठा है, ये देखें कैसे भाग रहा है हमारे से दूर। तो ये हमारे डोनट नटकी के अंदर बैठी है, इसको शायद गर्मी लग रही है इसलिए ये थोड़ी सी बाहर आके बैठी है, लेकिन पूरी बाहर नहीं आ रही। तो अभी इस केज में अकेले हैं तो बहुत ही खुश हैं माशाल्लाह। तो ये देखें हमने जो बड़े वाले केज लिए थे इसमें ये तीन हैं। ये देखें शेरू काम चेक करें, ये बार बार मेरे पीछे आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं हमारी जो वाइट वाली फीमेल है, इसका आपने नाम भी बताना है। ये जो है ना ये ब्रीडिंग के लिए फुल तैयार है। अगर इसके लिए मेल ले आएंगे तो ये ब्रीडिंग कर लेगी, क्योंकि ये मटकी के अंदर बहुत ज़्यादा जाती है, बैठी रहती है। ये जो छोटी वाली मटकी है ये वाइट वाली के लिए लगाई है, और ये बड़ी वाली है ये हमारी कैंडी के लिए लगाई है। तो हमारी कैंडी भी अब जल्द ब्रीड कर ले क्योंकि सीज़न आने वाला है, और इसके लिए भी अब मेल ले आएंगे तो ये भी ब्रीड कर रही है। देखिए शेरू का काम चेक करिए, सारा दिन ऐसे ही करता है। दोस्तों आप धान की फसल चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। ये देखें ये चारों तरफ धान धान की फसल है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ धान ही धान है। ये देखें कोई और फसल नहीं है, हमें दिखाई अभी तक नहीं दे रही, अभी धान धान है चारों तरफ। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे एंड। मुझे रखेगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।